ताज नगरी आगरा में एक बार फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस का हैवानियत भरा चेहरा सामने आया है। अभी हाल ही कुछ दिन पहले आगरा के थाना सिकंदरा में एक व्यापारी थाने के अंदर थर्ड डिग्री देने पर उसकी मौत हो गई थी, जिसमें थाना सिकंदरा में तैनात दरोगा और सिपाहियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई थी। तो वही उसके चलते आगरा के थाना एतमदौल में ऐसा ही मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर रात एक राजा नाम का युवक ऑटो से सवार होकर अपने घर जा रहा था। तभी रामबाग चौराहे पर डिवीजन चौकी पर एक ऑटो चालक और ऑटो में बैठे राजा को पुलिस वालों ने रोक दिया। पुलिस का आरोप है कि ऑटो चालक और ऑटो में बैठा राजा शराब के नशे में था। पहले तो राजा को रामबाग चौकी में पीटा, उसके बाद चौकी से राजा को थाना एतमदौल में भेजा। पीड़ित राजा का कहना है कि थाना एतमदौला में ले जाकर तीन पुलिस कर्मियों ने राजा को फिर बेरहमी से पीटा। तो वही पुलिस का कहना है कि हम लोगों ने नहीं पीटा, यह नशे के हालत में हवालात में गिरा पड़ा था। तो वही पीड़ित राजा का कहना है कि पुलिस कर्मियों ने बेल्टों और दंडों से उसको बेरहमी से पीटा। उसके शरीर पर दंडे और बेल्ट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। फिलहाल थाना एतमदौल में पुलिस ने राजा को रामबाग के किसी नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। अब मैं पीछे बैठा था गाड़ी में, मुँह पकड़ा था, तो मैंने बोला था मैं सवारी हूँ, मैं तो अपनी मौसी के नया जा रहा हूँ कि बंद कर। फिर चौकी में ले गए दोनों को। चौकी में ले जाने के बाद वहाँ दो दो चाड़ने मारे, फिर हमें एतमदौला थाने भेज दिया। थाने में भेज के बाद मैं कह रहा था मैं तो सवारी हूँ, और जो टम्पू वाला के नहीं, दोनों को बंद कर दिया। दोनों को बंद तीन लोगों ने थाने में ले जाकर मारा है जो पुलिस वालों ने। कहाँ से उठाया आपको, कौन चौकी बंद किया था पहले? पहले चौकी बंद किया था रामबाग चौकी, वहाँ से एतमदौला थाने भेजा। एतमदौला थाने से रात में तीन चार सिपाहियों ने मार लगाई। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।